नालंदा जिले के बिहार शरीफ के गढ़ पर स्वर्गीय ठाकुर श्याम नंदन सिंह की स्मृति में उनके आवासीय प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के पूर्व 108 भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ श्री राधा कृष्ण की झांकी भी निकली गई, जो इस कलश शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये यात्रा धनेश्वर घाट मंदिर से जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर संपन्न हो गया। कथा के आयोजक ठाकुर कुंवर नंदन सिंह उर्फ ढप्पू सिंह व भवानी सिंह ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले इस भागवत कथा में वृंदावन से आए श्री राम मुद्गल जी महाराज और श्री गोविंद मुद्गल महाराज जी द्वारा भागवत कथा वाचन किया जाएगा। संख्या निकाला गया आज बिहार शरीफ में गढ़ पर स्थित वार्ड नंबर 27 में हमारे आवास, जो कि हमारे पूज्य स्वर्गीय पिता श्री ठाकुर श्याम नंदन सिंह जी के स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन हम लोग ने कलश शोभा यात्रा निकाली है। कितने संख्या में निकाली है? आज 108 की संख्या में कलश था। यह भागवत कथा कितने दिनों तक चली? अभी ये आज 22 तारीख से प्रारंभ है, जो कि 7 दिन की भागवत कथा होती है, जो कि 28 तारीख तक चलेगा। क्या और 29 तारीख को हवन के उपरांत फिर भंडारे का आयोजन होगा। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है कि देखिए, भागवत श्रीमद् भागवत कथा जहाँ भी होती है तो उसके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भागवत में मैं खुद समाहित हूँ, तो उनके पूजा अर्चना से दुख दारिद्र लोगों के दूर रहते हैं। और मेरी हमेशा यही भगवान से काम आशीर्वाद मांगूंगा कि मेरा नालंदा जिला, मेरा बिहार उन्नति के पथ पे आगे बढ़े और सद्भावना और शांति स्थापित रहे। क्या पर्चे लिखते हैं? भवानी सिंह, जिला महासचिव, नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड।